सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात के भुज से गिरफ्तार कर लिया और इन दोनों आरोपियों को मुंबई लेकर आया गया है। ये दोनों आरोपी जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले बताए जा रहे हैं और इन दोनों आरोपियों का नाम सागर पाल है और विक्की साहब गुप्ता। शुरुआती पूछताछ में जो सामने आया है उसके मुताबिक सागर ने सलमान के घर पर फायरिंग की और मुंबई पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि सलमान के घर पर फायरिंग की साजिश पहले से रची गई थी। सूत्रों के मुताबिक दोनों हमलावर एक महीने से पनवेल में रह रहे थे। राधाकृष्ण अपार्टमेंट हरिग्राम इलाके में स्थित एक फ्लैट आरोपियों ने किराए पर लिया हुआ था और इस साजिश को अंजाम देने के लिए हमलावरों ने सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की 4 बार रेकी की थी। इन आरोपियों ने फायरिंग से पहले पूरी तरह गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की थी और इसके बाद दोनों आरोपी विक्की और सागर बाइक पर सवार होकर रविवार को तड़के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने पहुंचे और वहां चंद सेकंड रुकने के बाद फायरिंग की और फिर फरार हो गए। सूत्रों के मुताबिक फायरिंग में इस्तेमाल की गई बाइक रायगढ़ से सेकंड हैंड खरीदी गई थी। सलमान के घर फायरिंग करने वाले हमलावर पूरे इलाके से कितनी अच्छी तरह वाकिफ थे इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने फरार होने के लिए कई रास्तों का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने के बाद ये दोनों आरोपी बाइक से बांद्रा स्थित माउंट मैरी चर्च पहुंचे और फिर अपनी बाइक वहां छोड़ दी और फिर कुछ दूर वो पैदल चले और इसके बाद आरोपियों ने बांद्रा रेलवे स्टेशन के लिए एक ऑटो रिक्शा लिया। इसके बाद दोनों आरोपी बोरीवली की ओर जाने वाली एक ट्रेन में चढ़ गए और सांताक्रूज रेलवे स्टेशन पर उतरकर बाहर चले गए। पुलिस को ये पूरी जानकारी सीसीटीवी फुटेज से मिली है। पुलिस ने जब इन सारी जगहों के सीसीटीवी खंगाले तो इन जगहों के फुटेज में आरोपी नजर आए। इसके बाद पुलिस इसके आगे की भी फुटेज को खंगालने में जुट गई है। पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिले थे उसमें आरोपी का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। ये फोटो गुरुग्राम के गैंगस्टर विशाल उर्फ कालू का बताया जा रहा था जो कि गैंगस्टर रोहित गोदागरा के लिए काम करता है जिसने हाल ही में रोहतक में एक बुकी की हत्या की थी। वहीं लोकेशन ट्रैक करने से ये पता चला कि दोनों आरोपियों ने सांताक्रूज से गुजरात की ट्रेन ली और बचते बचाते मुंबई से करीब 850 किलोमीटर दूर गुजरात में भुज के कच्छ पहुंचकर अंडरग्राउंड हो गए। वहां जैसे ही पश्चिमी कच्छ क्राइम ब्रांच को इसकी खबर लगी उन्होंने तुरंत दबिश दी और विक्की और सागर को गिरफ्तार कर लिया। जिस गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई पर फायरिंग करवाने का शक जा रहा था वो इस समय गुजरात के ही साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। हालांकि इन आरोपियों के गुजरात पहुंचने और लॉरेंस के साबरमती जेल में होने का कोई कनेक्शन अभी तक सामने नहीं आया है। इस हमले की जिम्मेदारी को लेकर एक फेसबुक पोस्ट भी वायरल हो रहा था जिसमें यह दावा है कि गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के भाई अनमोल विश्नोई ने सलमान के घर के बाहर फायरिंग कराई है। वहीं पुलिस को पता चला है कि गोलीबारी की जिम्मेदारी लेने का दावा करने वाले फेसबुक पोस्ट का आईपी पता पुर्तगाल का है। वहीं पुलिस को संदेह है कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के भाई अनमोल विश्नोई द्वारा कथित तौर पर फेसबुक पोस्ट अपलोड करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया गया था।